इस बीमारी की सीवियरिटी का अंदाजा लगाए और उसके मुताबिक उसके सिम्टम्स के लिए उसको एंटी डिप्रेसेंट या एंटी साइकोटिक मेडिसिन दे, या फिर जो डिफरेंट थेरेपीज हैं जिनमें साइकोथेरेपिस्ट, टॉक थेरेपिस्ट शामिल है, उनकी मदद से जो है वो मरीज का इलाज किया जा सके। इसके अलावा रिसर्च जो है वो डिफरेंट इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपीज पे भी काम कर रही है कि किस तरह से शॉक के जरिए जो है वो उस पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है। सो बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की जो बीमारियाँ हैं जिनके साथ एसोसिएटेड बहुत सारे स्टिग्माज हैं, उनको हम उनके बारे में हम जानें, उनके बारे में दूसरों को अवेयरनेस दें और अपना भी ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें। And stay tuned to my channel and do not forget to subscribe it and press the bell icon. Till then, bye bye.